गरीब और जादुई सोने के कटहल का पेड़। सुबह एक नदी किनारे बैठकर रो रही होती है। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों गए? चाची जी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। तभी सुरभि की सहेली नीलम उसके पास भागती हुई आती है। अरे सुरभि, तू यहाँ पर रो रही है? अरे चाची तुझे यहाँ से वहाँ ढूंढ रही है, जल्दी जाओ, नहीं तो तेरी आज खैरियत नहीं। सुरभि बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, जिसके बाद वो वहाँ से चलने लगती है। लेकिन तभी उसे याद आता है। अरे ये क्या, मैं तो भूल ही गई, बाबा के लिए पानी तो मैंने लिया ही नहीं। सुरभि तुरंत अपने घड़े में नदी का पानी भरती है और घड़ा उठाकर चलने लगती है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। सुरभि वहाँ से गुजरते हुए हमेशा उन्हें पानी पिलाकर जाया करती थी। ये लीजिए बाबा जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो सब ठीक हो जाएगा, ये लो। बाबा उसे अपने झोले में से 3 दाने निकालकर सुरभि को दे देते हैं। तुम हर रोज मेरी सहायता करती हो, मुझे पानी पिलाती हो, इसके बदले ये छोटी सी भेंट है, ये कटहल के दाने। तुम इन दोनों को अपने घर के पीछे उगाना, इसके बाद तुम्हारे जीवन के सभी संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे बेटा। बाबा से दाने लेकर सुरभि अपने घर की तरफ लौट आती है, जिसके बाद उसकी चाची उसे देखकर गुस्से से कहती है। क्यों रे मनहूस, कहां से आ रही है? क्या तुझे घर के काम दिखाई नहीं देते? अरे बेशरम, जा जल्दी से सारे काम कर ले, नहीं तो मार मार के भुरता बना दूंगी। जी चाची जी। सुरभि घर के सारे काम कर लेती है, जिसके बाद वो उदास होकर घर के पीछे पहुंचती है। वो बाबा के दिए हुए दानों को अपने घर के पीछे मिट्टी में दबा देती है। जैसा बाबा ने कहा था मैंने वैसा कर दिया, अब मुझे कल का इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर सुरभि अपने घर में चली जाती है, जिसके बाद रात को खाना खाकर वो सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो घर के सभी काम निपटाकर अपने घर के पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके सामने 3 बहुत बड़े जादुई सोने के कटहल के पेड़ खड़े होते हैं। अरे वाह, इतने बड़े सोने के कटहल के पेड़, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक रात में ये कटहल के पेड़ उग गए। तभी कटहल का पेड़ कहता है, हम कोई मामूली पेड़ नहीं हैं, बल्कि हम जादुई पेड़ हैं, और हमारे कटहल के पेड़ पर सोने के कटहल उगते हैं। क्या कहा, सोने के कटहल? सुरभि की इतना कहते ही 3 जादुई के कटहल के पेड़ एक एक सोने के कटहल तोड़कर नीचे गिरा देते हैं। अरे वाह, ये तो सच में सोने का कटहल है। इसकी मदद से तुम अपनी परेशानियों को दूर कर सकती हो। सुरभि सोने के कटहल को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने आप से कहती है, आज तक चाची जी ने मुझे कभी नए कपड़े नहीं दिलाए और न ही स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, अब मैं अपने कपड़े और स्कूल में एडमिशन भी करवाऊंगी। सुरभि सोने के कटहल को सुनार की दुकान पर बेच देती है, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। वो उन पैसों से स्कूल में एडमिशन करवा लेती है और अपने लिए कपड़े खरीद लेती है। अरे इस फटीचर के पास नए कपड़े कहाँ से आ गए, जो मैं अपने पुराने फटे देती हूँ इसके पास तो बस वही थे, आखिर नए कपड़े ये लाई कहाँ से, कहीं इसने मेरी अलमारी में से चोरी तो नहीं की। ऐसा कहकर अंगूरी सुरभि का कान पकड़कर मरोड़ते हुए कहती है, क्यूरी दिखा दी तूने अपनी औकात, कर दी मेरे घर में चोरी? नहीं चाची जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, भला मैं चोरी क्यों करूंगी। तो फिर तेरे पास ये नए कपड़े कहाँ से आए, जल्दी बता, नहीं तो बहुत मारूंगी। सुरभि को कान में बहुत दर्द होने लगता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे जादुई सोने के कटहल के पेड़ के बारे में बताना पड़ता है। बाबा ने जो मुझे कटहल के दाने दिए थे उनसे जादुई सोने के कटहल के पेड़ उगाए, उसकी मदद से मैं नए कपड़े लाई। अच्छा ऐसी बात है, जरा मैं भी तो देखूं आखिर ये जादुई पेड़ से सोने के कटहल कैसे निकलते हैं। सुरभि अंगूरी को घर के पीछे ले जाती है, जिसके बाद वो कटहल के पेड़ से कहती है, ए मेरे जादुई सोने के कटहल के पेड़, मुझे तुम्हारे सोने के कटहल की जरूरत है। सुरभि के इतना कहते ही जादुई सोने के कटहल के पेड़ के अंदर से सोने के कटहल निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसे देखते ही अंगूरी की आंखें चमकने लगती है। अरे वाह,
क्या बात है, ये तो सच में जादुई सोने का कटहल का पेड़ है। अंगूरी सुरभि के हाथों से सोने के कटहल ले लेती है। लेकिन चाची जी सुनिए तो सही। अरे मैं तेरी क्या सुनूं, जरा देख तो सही, ये सोने का कटहल है, इसे बेचकर तो मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे। ऐसा कहकर अंगूरी उसे ले जाने लगती है, लेकिन तभी उसका सोने का कटहल राख में बदल जाता है। अरे ये क्या, ये सोने का कटहल अचानक से राख में कैसे बदल गया? तभी जादुई सोने के कटहल का पेड़ कहता है, हम केवल अच्छे और साफ दिल के लोगों की ही मदद करते हैं। अगर कोई हमारे सोने के कटहल का इस्तेमाल लालच में आकर करे तो सोने का कटहल राख में बदल जाता है और तुम बहुत लालची हो। चाची जी ये बात मैं आपको समझाना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। सुरभि की ये बात सुनते ही अंगूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद अंगूरी सुरभि के बाल पकड़ लेती है और कहती है, मैं सब जानती हूँ, ये सब तेरी एक चाल है। तू तो चाहती ही नहीं कि मैं अमीर हो जाऊं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अंगूरी सुरभि के मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगती है। चाची जी ऐसा मत कीजिए, चाची जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ चालाकपना दिखाएगी, आज मैं तेरे अंदर से सारी चालाकियां निकाल दूंगी। तभी जादुई सोने के पेड़ की टहनियां अंगूरी को जकड़ लेती है। एक मासूम बच्ची के ऊपर इतने अत्याचार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जादुई सोने के पेड़ की टहनियां अंगूरी के मुंह पर अपनी टहनियों की मदद से तमाचा मारने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, मैं आइंदा कभी भी सुरभि के साथ ऐसा नहीं करूंगी। तभी सुरभि जादुई सोने के कटहल के पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, मेरे इस दुनिया में मेरी चाची के अलावा कोई नहीं है, मेरे माता पिता मुझे बहुत पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, अब मेरी चाची को मुझसे मत छीनिए, ये जैसे भी है मेरी चाची है और मैं इन्हें अपनी माँ का दर्जा देती हूँ। सुरभि की मुँह से ये बात सुनते ही अंगूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं कैसी औरत हूँ, एक फूल जैसी मासूम बच्ची के ऊपर मैंने इतने अत्याचार किए, मुझे माफ कर दे सुरभि, आज के बाद मैं तेरे ऊपर कभी अत्याचार नहीं करूंगी, आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरे साथ एक माँ की तरह ही रहूंगी। जादुई सोने के कटहल की टहनियां अंगूरी को छोड़ देती हैं, जिसके बाद जादुई पेड़ सुरभि से कहते हैं, तुम्हारी चाची को उसकी गलती का पछतावा है, इसलिए हम उसे छोड़ रहे हैं और तुम्हें चाची के रूप में एक माँ मिल गई है, इस बात की हमें खुशी भी है, इसलिए हम तुम्हें सोने के कटहल देना चाहते हैं। जादुई तीनों सोने के कटहल के पेड़ के अंदर से सोने के कटहल निकल कर आते हैं, जिसके बाद पेड़ कहते हैं, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए रिश्ते की शुरुआत के लिए, आज से तुम दोनों खुशी खुशी रहना। जादुई सोने के कटहल के पेड़ की मदद से उन लोगों की गरीबी मिट जाती है और वो दोनों अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। चमचमाती नदी के किनारे पर एक बड़ा सा पैसों का पेड़ था। उस पैसे के पेड़ को देखकर एक युवक उस पैसे को जैसे ही तोड़ता है तो लाख कोशिश करने पर पैसों को तोड़ नहीं पाता है। अरे आजा आजा मेरे पैसों के पेड़, आज मैं तुझसे भरमार पैसे लेकर जाऊंगा और ऐश करूंगा। पर ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, मेरे लिए टूटता क्यों नहीं? ऐसा कहकर वह बेहद जोर से उन पैसों को तोड़ता है। फिर उसकी नजर जमीन पर टूटे हुए पैसों पर जाती है। वह उन्हें भी उठाने की कोशिश करता है पर नाकाम होता है। फिर जैसे ही वह उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो हवा में पैसे गेंद की तरह उछलने लगते हैं। वह बहुत पकड़ने की कोशिश करता है पर वह पैसे हाथ में नहीं, वहीं पकड़ने की कोशिश करते करते वह नदी में गिर जाते हैं। आखिर ये कैसे हुआ, मैंने इतनी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए और खाली हाथ जाना पड़ेगा, आखिर क्यों? आखिर ये लड़का कौन था जो पैसों के पीछे पड़ा था, और ये पैसों का पेड़ नदी किनारे कैसे आ गया? क्या पैसों के पेड़ के पीछे कोई कहानी थी? जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां कमला नाम की दादी अपनी पोती शिवानी के साथ उस नदी किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वहीं छोटा सा चूल्हा जलाकर उस पेड़ की लकड़ियों से खाना बनाती थी। एक सुबह के समय उसकी पोती उठकर चलती है तो दर्द से चिल्लाकर गिर जाती है। फिर कमला कहती है, मेरी बच्ची क्या हुआ तुझे, पैर में कैसे लग गई, यहाँ बैठ मुझे देखने दे। अरे दादी कुछ भी नहीं हुआ, रुक जा शिवानी बेटा। ये कहकर देखती है तो शिवानी के पैरों में छालों को पाती है और बोलती है, बेटा
तेरे पाँव में तो छाले पड़ गए हैं, तू रुक, मैं अभी तेरे लेप लगा देती हूँ। ये बोलकर कमला जिस नदी किनारे रहती थी वहाँ एक नीम का बहुत पुराना पेड़ था जिसकी कुछ पत्तियों को तोड़कर पानी में भिगोकर लेप बना लेती है और अपनी पोती के पाँव में लगा देती है और कहती है, थोड़ी देर तू आराम कर ले, इस लेप से तुझे आराम पड़ेगा, फिर तू चल फिर पाएगी। ठीक है दादी, और उठने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए यही नाश्ता ला रही हूँ। ऐसा बोलकर कमला उसको नाश्ता बनाकर दे देती है, जिसके बाद दोनों दादी पोती बैठकर नाश्ता करती हैं। दो दिन बाद शिवानी खेलते खेलते उस नदी के किनारे उसी पेड़ के पास आ जाती है और कहती है, दादी पकड़ो, मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैं तो यहाँ हूँ। अरे शिवानी बेटा, तू वहाँ क्यों चली गई, गिर जाएगी, इधर आ जा, तू नदी में बह जाएगी। अरे दादी कुछ नहीं होगा। ये बोलकर शिवानी नदी के बिल्कुल किनारे आ गई थी कि उसकी दादी आकर आगे खींच लेती हैं और बोलती हैं, शिवानी बेटा तू समझती क्यों नहीं, तेरे अलावा मेरा कौन है, खबरदार जो तू उस पार फिर से गई तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सॉरी दादी, अब नहीं जाऊंगी। ठीक है दादी, बहुत धूप हो रही है, इस पेड़ की छांव में बैठकर लोरी सुना दो। फिर से वही जाने की बात, अच्छा ठीक है, पर मेरे पास से उठकर नहीं जाना। दोनों दादी पोती उस पेड़ के दूसरी ओर छांव में बैठ जाती हैं। फिर कमला उसे लोरी सुनाती है कि उसी वक्त वहां चार आदमी कुल्हाड़ी लिए जोश में आकर कहते हैं, ए बुढ़िया चल हट यहां से वरना लग जाएगी तुझे। अरे ये तुम यहां क्यों आए हो, हम इस पेड़ को काटने वाले हैं, चल साइड हो। नहीं तुम ये पेड़ नहीं काट सकते हो। दादी ये लोग पेड़ क्यों काटना चाहते हैं? हमें हमारा काम करने से रोको मत, ये पेड़ नदी में बाधा डाल रहा है और इसकी यहाँ कोई आवश्यकता भी नहीं है, लोग इस किनारे आ नहीं पाते क्योंकि ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, बेहतर होगा इसे काटने दो। भला ये पेड़ कैसे परेशान कर सकता है और इस तरफ लोग आते भी नहीं है ना, मैं इस पेड़ की कीमत जानती हूँ, ये मुझे चोट लगने पर दवाइयाँ देता है, खाना बनाने के लिए लकड़ी देता है, धूप से बचने के लिए छांव देता है, तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे, चले जाओ यहाँ से। ए बढ़िया, तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही है, अब हम इस पेड़ को काट कर ही रहेंगे। ठीक है दम है तो काट के दिखाओ। वो चारों पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि दादी और पोती पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते हैं, जिसके बाद वह लोग काट नहीं पाते हैं। देखो तुमने अगर पेड़ काटा तो तुम्हें हम दोनों की जान से गुजरना होगा। भाई भाई रहने दो, कहीं कुछ उल्टा हो गया तो, वैसे भी हमें कौन सी किसी अधिकारी ने पेड़ काटने को बोला है, चलते हैं यहाँ से। वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं, तभी पेड़ में से आवाज आती है, बुढ़िया माई तुमने और तुम्हारी पोती ने मेरे मुश्किल समय में मुझे कटने से बचाया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी इस मुश्किल समय में मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की कमी है, कोई रोजगार नहीं है, जैसे तैसे मेरे पेड़ से ही तुम अपनी पोती के साथ रहकर टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा करती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताना चाहती हूँ, जरा मुझसे अपने कान लगाओ। ठीक है जादुई पेड़, ऐसा कहकर कमला उस पेड़ से कान लगाकर मंत्र सुन लेती है और कहती है, जादुई पेड़ पर इस मंत्र से क्या होगा? इस मंत्र को तुम जब भी मेरे सामने दोहराओगे तो यह पेड़ एक पैसों का पेड़ बन जाएगा, जिससे तुम कितने भी पैसे लेकर तोड़ सकती हो, और ये मंत्र जानने वाला व्यक्ति ही इन पैसों को उठा सकता है, कोई और नहीं, ये सब तुम्हारे नेक दिल का नतीजा है। शुक्रिया जादुई पेड़ हमारी परिस्थिति समझकर हमें ये मंत्र देने के लिए। ऐसा कहकर जादुई पेड़ नॉर्मल पेड़ बन जाता है। अगले दिन शिवानी की फ्रॉक झाड़ी से फट गई थी, जिसे देखकर कमला कहती है, अरे बेटा तेरी फ्रॉक तो फट गई, तेरे पास और कोई फ्रॉक है भी नहीं। दादी मुझे नई फ्रॉक दिला दो उस जादुई पेड़ के पैसों से। अरे हाँ बेटा, और दादी अपने लिए भी आप नई साड़ी खरीद लेना। ये कहकर दादी उस पेड़ के पास जाकर मंत्र बोलती हैं, ओम श्रीम नमः श्री मुद्रायम कुबेर परिपूर्णतमाय स्वाहा। कमला के मंत्र कहते ही उस पेड़ पर पैसों के बहुत सारे नोट लग जाते हैं। नोटों से हरे भरे पेड़ को देखकर कमला उन पैसों को तोड़ लेती है और अपनी पोती के साथ बाजार जाकर उसके लिए और अपने लिए नए कपड़े खरीदती है, जिसे पहनकर शिवानी कहती है, अरे वाह दादी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो इस साड़ी में, और दादी मेरी फ्रॉक भी कितनी सुंदर है। हाँ बेटा
इस तरह उनके दिन अच्छे गुजरते हैं, लेकिन ठंड के कारण वो रह नहीं पा रहे थे, इसलिए कमला फिर से उस पेड़ के सामने वही मंत्र बोलती है जिससे जादू से बहुत सारे पैसे उस पेड़ पर लग जाते हैं, और उन पैसों को तोड़कर कमला वहीं पर एक पक्का घर बनवा लेती है जिसमें दादी पोती सुकून से रहने लगती हैं। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत रोते हुए आती है और कहती है, बहन जी मेरी मदद कर दो, मेरे बेटे के चोट लग गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो? अरे मेरे सामने आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, मैं आपको पैसे लाकर देती हूँ। ये सुनकर कमला फिर से उस जादुई पेड़ के सामने जाती है और मंत्र पढ़ती है जिससे वह पेड़ फिर से करारे नोटों से लद जाता है, और जब वह पैसे तोड़कर बुढ़िया को देती है तो ये सब यूवी नाम का एक लड़का देख लेता है जिससे उसके मन में पैसों की लालच आ जाती है। अरे वाह, इस पैसों के पेड़ से तो मैं अमीर हो जाऊंगा, जाकर तोड़ता हूँ। नदी किनारे पैसों के पेड़ को देखकर यूवी उन पैसों को तोड़ता है, मगर एक भी पैसे उसके हाथ में नहीं आते। बहुत कोशिश करता है तो वह पैसे उसके हाथ से उड़ जाते हैं और पकड़ने के चक्कर में वह नदी में जाकर गिरता है। अरे बाप रे बाप, मैं ये क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, इतने भारी क्यों है, मुझे अपने दोस्त रघु को बुलाना होगा। पैसों के लिए यूवी अपने दोस्त रघु को इस पेड़ के बारे में बता देता है। फिर वो भी लालच में आकर पैसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर जादुई पेड़ की माया से वह भी नदी में गिर जाता है और आगे बह जाता है। यह देखकर घबराते हुए यूवी बोलता है, अरे मेरा दोस्त, अरे कोई बचाओ, हे भगवान, वो तो नदी में बह गया, लगता है ये कोई अद्भुत पेड़ है जिससे मैं पैसे नहीं ले पाया। तभी यूवी की बात सुन जादुई पेड़ बोल पड़ता है, जानते हो तुम ये पैसे क्यों नहीं उठा पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे मन में लालच है, और लालच से भरा कपटी व्यक्ति मेरे वृक्ष के पैसों को नहीं ले सकता। ये सिर्फ नेक दिल लोगों की मदद करता है, इसलिए तुम्हारा दोस्त नदी में बह गया। अरे नहीं 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 जादू पेड़, मुझे कुछ भी मत करना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, मुझे सबक मिल गया है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, दोबारा यहाँ आने की गुस्ताखी मत करना। जादुई पेड़ से सबक लेकर यूवी यहाँ से चला जाता है। दादी पोती इस बात से अनजान थी और पहले की तरह ही वह जादुई पेड़ के पैसों की मदद से खुशी खुशी रहती हैं। साथ ही गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। बाजार के बीच बैठी हुई गरीब सास बहू चंदा और चंपा बुलंद आवाज से आते जाते लोगों को बुला रही थी। लकड़ी की टोकरी ले लो, सुंदर सुंदर सूप ले लो, फूलों की डलिया ले लो, आ गया है सास बहू के बनाए लकड़ी के सुंदर सुंदर सामान एकदम सस्ते दाम में। अरे बहू, इतनी देर हो गई, आज तो हम गरीब सास बहू का लकड़ी का सामान लेने एक भी ग्राहक नहीं आया, अब तो बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ। माँ जी, जमाना जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हम सास बहू के बनाए लकड़ी के सामान की मांग घटना लाजमी है। मुझे तो ये चिंता खाए जा रही है, इस महीने रतनलाल जी को क्या जवाब देंगे? हाँ बहू, इस महीने भी दहलीज पर चढ़कर वह रतनलाल अपने मकान का रौब झाड़ेगा। काश कि हमारे पति इस दुनिया में होते तो हम दोनों सास बहू को इतना दुख नहीं देखना पड़ता। देखते ही देखते सांझ की बेला बीत जाती है, जिसके साथ जाड़े की हवा जोरों पर पहुंच जाती है। ठंड से ठिठुरती हुई गरीब सास बहू आस लगाए देर तक अपनी लकड़ी के सामान बिकने की बाट जोहती हुई हताश होकर घर आती है। चंदा की दोनों नन्ही बेटियां गुड़िया और मुनिया भागती हुई आकर उससे लिपट जाती है। माँ आप आ गई। माँ हमारी जलेबी कहाँ है? सवेरे आपने वादा किया था कि आप शाम को लेकर आओगी। मुनिया बेटी, आज एक आने की भी कमाई नहीं हुई। बिटिया ऐसे में तेरी बदनसीब माँ जलेबियाँ कहाँ से मोल लाती? ऐसा कहते हुए चंदा की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। तभी मासूम सी मुनिया मन मार कर कहती है, माँ अच्छा किया जो तुम जलेबियाँ नहीं लेकर आए, वैसे भी टीचर जी कहती है मीठा खाना हानिकारक होता है। इस पर चंदा अपनी बेटियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह खाना बनाकर कहती है, माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। बहू उस पाव भर चावल में किस किस का पेट भरेगा, एक काम कर तू मुनिया और गुड़िया को खाना दे दे, हम सास बहू तो फिर भी भूख बर्दाश्त कर जाएंगे। चंदा अपनी दोनों बेटियों को खाना खिला देती है और भूख से बिलबिलाती बेचारी गरीब सास बहू पानी पीकर ही पेट भरती हैं। पाव फटने के साथ ही उनके घर का मकानदार रतनलाल दस्तक देता है और जोर शोर से किवाड़ पीटता हुआ कहता है,
अरे ओ चंदा, चंपा, अरे कहाँ छिपी बैठी हो दोनों सास बहू, बाहर निकलो। आवाज सुनकर दोनों सास बहू झुंझलाहट के साथ जाकर बाहर आती हैं। रतनलाल जी, आप इस वक्त? अरे तो क्या, अब मैं तुम गरीब सास बहू से परमिशन लेकर यहाँ पधारूंगा? पिछले 2 महीने से घर का भाड़ा नहीं भरा है। अरे किराए के बोझ तले दबकर तुम सास बहू को नींद कैसे आती है? बस अब बहुत झेल लिया मैंने। तुम दोनों सास बहू आज के आज कोई दूजा ठिकाना ढूंढ लो, सांझ की बेला बीतने तक मुझे मेरा घर खाली चाहिए। अरे रतनलाल जी, थोड़ा तो रहम करो, हम बेसहारा बेवा सास बहू इन जाड़े में अपने नन्हे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? जहन्नुम में जाओ, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं। उठाओ अपनी गठरी और पकड़ो दूजी डगरी। गरीब सास बहू रोते बिलखते घर से निकल जाती हैं। चलो बच्चों, इस गांव घर में हमारा दाना पानी उठ चला है। मगर माँ, दादी माँ, हम जाएंगे कहाँ? जहाँ ऊपर वाला ले जाए। चंपा और चंदा दोनों बच्चियों का हाथ पकड़कर सर्दी की हवाओं में थरथराती हुई सड़क पर चलते हुए कोसों दूर एक जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां लाबनून, देवदार, सागौन की लकड़ियों के लिए मशहूर लंबे ऊंचे पेड़ तने खड़े थे। दादी माँ, मुझे ठंड लग रही है और भूख भी। बहू अब क्या करें, दोनों बच्ची भूख से मचल रही हैं और हमारे पास इन्हें खिलाने को कुछ नहीं है। तू किस सोच में डूबी है बहू? माँ जी, ईश्वर का खेल तो देखिए, हम सास बहू बरसों से जिन लकड़ियों का साज सामान बनाकर बाजार में बेचती आई हैं, आज हमारे कदम उसी के बीचों बीच खड़े हैं। हमारे पास खाने को ना एक दाना है, न पास में पैसा। अब ये देवदार और लबानून की लकड़ियां ही हम सास बहू की डूबती डगर का बांध बनेगा। मगर कैसे? माँ जी, जब हम सास बहू लकड़ियों की टोकरी सूप जैसा साज सामान बेच सकते हैं, तो लकड़ियों का घर क्यों नहीं? बहू, लकड़ी का घर बनाना कोई कठपुतली का खेल नहीं, उसे बनाने में समय लगेगा। इस बीच हम और हमारे बच्चे जाड़े से जूझते रहेंगे। नहीं माँ जी, तब तक हम उस घास फूस के टूटे फूटे मड़ई में रहेंगे। और घर छोड़ते समय मैंने बची खुची रोटियां बांध ली थी और हंसिया, खुरपा और ये इक्के दुक्के बर्तन भी, क्योंकि ये हमारे काम जरूर आएगा। इस पर चंदा वह रोटी अपनी दोनों बेटियों को खिला देती है और पेड़ से सटकर वह सो जाते हैं। पौ फटने के साथ दोनों सास बहू आंख मलते हुए जाग जाती हैं। बहू, दोनों सास बहू को सवेरे से ही काम शुरू करना होगा। चलिए माँ जी, सबसे पहले हमें बहुतायत मात्रा में लकड़ियां काटना होगा। 2 दिन की भूखी प्यासी गरीब सास बहू अपनी भूख को भूलकर लकड़ी का घर बनाने में जुट जाती हैं। चंपा और चंदा लकड़ियां काटने लगती हैं और वहीं चंदा की दोनों बेटियां जंगल के बड़े भूभाग को साफ करने लगती हैं। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है, तभी थकी मांदी गरीब सास बहू गहरी सांस भरकर कहती हैं, माँ जी, हमने बिना रुके थके आज ही हमारे लकड़ी के घर की नींव धरनी है। हाँ हाँ, चल बहू, होते हैं शुरू। फिर सास बहू दोबारा से फेटा बांधकर जमीन में गड्ढा खोदकर मजबूत और टिकाऊ लकड़ियों की डंडियों से 4 आवरण तैयार कर लेती हैं। तभी उसकी बेटी बोलती है, हम दोनों बहनों को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे बहू, अब इन्हें क्या खिलाएंगे, क्योंकि अब तो रोटियां भी नहीं बची। चंदा जंगल में तने खड़े लकड़ियों के पेड़ के बीचों बीच खड़े बांस के पेड़ पर जाती है, जिसे देख कर वह कहती है, फिक्र मत कीजिए माँ जी, अब बचा खुचा काम कल होगा, बस मेरे साथ ईंट ढूंढिए। माँ, ये देखो, मुझे एक ईंट मिला है। माँ, मैंने भी एक ईंट खोजा। ये ले बहू, 2 और ईंट, मगर तू करेगी क्या, बता तो। माँ जी, बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। चंदा अपने दिमाग की दावेदारी से ईंटों के आवरण से एक चूल्हा बनाती है और कच्चे कोमल बांस को बारीकी से काट कर अपने गठरी में रखे बर्तन और मसाले को निकाल कर बम्बू कड़ी बनाती है, जो कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी, मुनिया, गुड़िया, सभी आ जाइए, खाना तैयार है। अरे बहू, तू बौरा गई है क्या, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम इस बेस्वाद बांस को खाकर काम चलाना पड़े। माँ जी, एक बार मेरे लिए चक्कर तो देखिए। जैसे ही चंपा बम्बू कड़ी खाती है, वह अपनी बहू की बड़ाई करने लगती है। सचमुच बहू, ये बम्बू कड़ी स्वाद में बड़ी बेमिसाल है, इसके आगे तो बेसन की बनी कड़ी भी फेल हो गई है। हाँ माँ, सचमुच ये कड़ी बेहद स्वादिष्ट है।
इसके बाद वह सभी सो जाते हैं और सबेर के सूरज की लालिमा के साथ दोनों सास बहू लकड़ी के घर की छत बनाने के लिए जुट जाती हैं। तभी गुड़िया और मुनिया बोलती हैं, आप दोनों ये घास फूस और लकड़ियों के फट्टे क्यों बना रही हैं? ताकि हमारे लकड़ी के घर की छत बन सके मेरी प्यारी पोतियों। तो फिर हम दोनों बहनें भी आपका हाथ बटाएंगी। अब सास बहू के संग दोनों बच्ची भी उनकी मदद करती हैं और चार दिनों के चक्र में सास बहू का लकड़ी का घर लगभग आधा तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह लकड़ी के घर का दरवाजा झरोखे भी तैयार करती हैं। सप्ताह भर के बड़े संघर्ष के साथ सास बहू की मेहनत रंग ले आती है। उनका लकड़ी का घर पूरे जंगल में जुगनू के जैसे जगमगा उठता है। देखिए माँ जी, हम गरीब सास बहू ने कितना लुभावना लकड़ी का घर बनाया है। हाँ बहू, लकड़ी का ये घर हमारी मेहनत का फल है। भले ये ईंट पत्थर का नहीं बना, मगर ये हम सास बहू का खुद का बसेरा है। अब कोई भी हम गरीब सास बहू को हमारे इस लकड़ी के घर से नहीं निकालेगा। उस पल दोनों सास बहू की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ रहे थे। आज वह लकड़ी के बने घर में सुख चैन से रह रही हैं। इसके बाद उन्होंने और भी कई लकड़ी के घर बनाए, जिसे जंगल में आने वाले सैलानी वहां ठहरते और बदले में सास बहू को लकड़ी के घर से बेहतर लागत कमाती थी। अमृता की शादी होती है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और विजय अमृता से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां विजय की माँ सुमित्रा अमृता का गृह प्रवेश करती हैं। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारे पैरों से हमारा घर जगमगा उठेगा। अमृता गृह प्रवेश के बाद अंदर आ जाती है, तभी उसकी नंद उसे कहती है, अरे भाभी ये क्या, बिना शगुन दिए आप अंदर आ गई? पहले मेरे हिस्से का मुझे शगुन दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, शगुन तो आपके भैया जी आपको देंगे। तभी विजय अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और अपनी बहन निशा को देते हुए कहता है, ये लो बहना, शादी के चलते मैं पूरा कंगाल हो चुका हूँ, जो बचा कुछ है अब तुम ले लो। विजय की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी विजय का भाई अरविंद अपने भाई से कहता है, अरे वाह भैया, कंगाल हो गए तो क्या हुआ, इतनी खूबसूरत और सुंदर बहू तो लेकर आए हो ना। अरे चलो चलो, अब हंसी ठिठोली तो होती ही रहेगी, सुमित्रा बहू को उसके कमरे में ले जाओ। शादी के माहौल से पूरा घर बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ अमृता भी अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में बहुत खुश होती है और कुछ ही समय में अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लेती है। ऐसे ही शादी के बाद अपने ससुराल में रहते हुए उसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह वह घर में सफाई कर रही होती है। ओहो, लगता है मेरी नंद निशा अपने कॉलेज चली गई है। कोई नहीं, मैं इनके कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। अमृता अपनी नंद निशा के कमरे में जाती है, जिसके बाद वह निशा के कमरे की साफ सफाई करने लगती है। तभी उसे ड्रेसिंग टेबल के आगे दाढ़ी बनाने का सामान दिखाई देता है। अरे लगता है ये दाढ़ी बनाने का सामान अरविंद जी का होगा, गलती से अरविंद यहीं भूल गए होंगे, ये सामान मुझे अरविंद के कमरे में रख देना चाहिए। अमृता अपनी नंद के कमरे से दाढ़ी बनाने का सामान अपने देवर के कमरे में ले जाकर रख देती है, लेकिन वहाँ पहले से ही दाढ़ी बनाने का सामान रखा होता है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद वह अपनी सास के कमरे में सफाई करने जाती है। लगता है माँ जी भी मंदिर गई हैं, उनके आने से पहले मैं सभी कमरों की अच्छे से साफ सफाई कर लेती हूँ। अमृता अपनी सास के कमरे में साफ सफाई करने लगती है तो उसे वहाँ पर भी दाढ़ी बनाने के दो डिब्बे दिखाई देते हैं, जिसमें दाढ़ी बनाने का सारा सामान होता है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, एक तरफ तो निशा के कमरे में दाढ़ी बनाने का सामान, तो दूसरी तरफ माँ जी के कमरे में दो दो दाढ़ी बनाने के डिब्बे। अमृता को कुछ समझ नहीं आता और वह चुपचाप अपने काम में लग जाती है, जिसके बाद वह घर के काम निपटाकर रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए जाती है। कुछ ही देर में उसकी सास सुमित्रा मंदिर से वापस आ जाती है, लेकिन सुमित्रा ने अपना चेहरा ढका होता है और वह सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये माँ जी को क्या हुआ, इस तरह मुंह छुपाकर क्यों जा रही हैं? सुमित्रा अपने कमरे में जाती है और दाढ़ी का सामान निकालकर जल्दी से अपने चेहरे पर शेविंग करने लगती है। ओहो, बहू ने देख ली मेरी दाढ़ी तो पता नहीं क्या सोचेगी, जल्दी से दाढ़ी बना लेती हूँ, नहीं तो हमारा राज खुल जाएगा। सुमित्रा अपने चेहरे पर दाढ़ी बनाकर फटाफट अमृता के पास पहुँचती है। अरे बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी, मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं, आप बैठिए, मैं अभी आपको परोस देती हूँ। अमृता नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वहां देवराज, विजय और अरविंद भी आ जाता है। अमृता एक एक करके सबको नाश्ता देती है और सभी नाश्ता करके अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद अमृता खुद भी नाश्ता करके घर के बाकी के कामों में लग जाती है। सारे काम तो खत्म हो गए, अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी।
अमृता आराम करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी नंद निशा कॉलेज से वापस आ जाती है, लेकिन उसने अपना मुंह ढका होता है। अरे निशा, तुमने अपना ये चेहरा क्यों ढका हुआ है? अरे कुछ नहीं भाभी, जरा बाहर धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना चेहरा ढका हुआ है। निशा ऐसा कहकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर सबसे पहले अपने चेहरे के ऊपर शेविंग करना शुरू करती है। हे भगवान, जल्दी जल्दी से इस दाढ़ी को उतार लूं, नहीं तो भाभी देखकर बहुत बुरी तरह डर जाएंगी। निशा और सुमित्रा के चेहरे पर दाढ़ी आया करती थी, एक औरत होने के बाद भी उनके चेहरे पर ये दाढ़ी क्यों आया करती थी उन्हें खुद नहीं पता था, जिसके चलते उन्होंने ये बात अमृता से छुपाई थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके इस राज की वजह से अमृता घर छोड़कर चली ना जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह दोनों माँ बेटी अपनी दाढ़ी छुपा कर रखने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी अमृता को उन दोनों के ऊपर शक होने लगता है। हर दूसरे तीसरे दिन माँ जी और निशा अपना चेहरा छुपाने लगती हैं और कुछ देर अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद उनका चेहरा अचानक चमकने लगता है। आखिर ये दोनों ऐसा क्या करती हैं? वहीं मैंने कितनी बार निशा के कमरे में दाढ़ी बनाने का सामान देखा है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे इसका पता लगाना होगा। अमृता अब इस बात का पता लगाने के लिए मौका ढूंढने लगती है। एक दिन रात के समय निशा अपना मुंह छुपाकर अपनी माँ सुमित्रा के कमरे में चली जाती है। अरे माँ, मैं शेविंग कर रही थी, आधी शेविंग में ही मेरा गाल कट गया, अब मैं क्या करूँ? अरे बेटी, जब शेविंग करते हुए गाल कट जाता है तो फिटकरी लगा लेनी चाहिए। सुमित्रा निशा को फिटकरी दे देती है, जिसके बाद वह दोनों एक साथ सुमित्रा के कमरे में शीशा देख कर दाढ़ी बनाने लगती है, लेकिन यह सब अमृता दरवाजे के बाहर खड़ी होकर देख लेती है। अरे बाप रे बाप, मेरी सास और ननद को दाढ़ी आती है, इन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? अरे ये औरत है या मर्द जो इन्हें दाढ़ी आती है? तभी अमृता कमरे के अंदर जाती है और अपनी सास सुमित्रा और अपनी नंद निशा से कहती है, ये सब क्या चल रहा है माँ जी? आपको और निशा को मर्दों की तरह दाढ़ी आती है? अरे आप दोनों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आपने इतने दिनों से मुझे धोखे में रखा। सुमित्रा और निशा अमृता को देखकर अचानक से चौंक जाते हैं। हे भगवान, निशा तुझे मैंने कितनी बार समझाया है, जब भी शेविंग करनी होती है तो दरवाजे की कुंडी लगा दिया कर, देख आज अमृता को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया। आखिर क्यों आप दोनों ने मुझसे ये हकीकत छुपाई? भाभी हमें माफ कर दो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दरअसल माँ को दाढ़ी आया करती थी, जिसके चलते मुझे भी दाढ़ी आने लगी। हमारी दाढ़ी आने की वजह से भी मेरे कॉलेज में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते हैं, वहीं मोहल्ले की औरतें माँ का भी मजाक उड़ाती हैं। हाँ बहू, इस दाढ़ी के चलते कोई भी मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पंडित को कहा कि वो हमारी हकीकत किसी को ना बताए। अरे माँ जी, मैं इस घर का हिस्सा हूँ, मुझसे ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी? मैं आप दोनों की मदद करना चाहती हूँ, आजकल कई सारे लेजर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, क्यों ना आप अपने चेहरे पर लेजर ट्रीटमेंट करवा लो, जिसके बाद परमानेंटली आप दोनों को दाढ़ी से छुटकारा मिल जाएगा। निशा और सुमित्रा ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। क्या बात कर रही हो भाभी, क्या ऐसा सच में होता है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, अगर ऐसा सच में होता है तो चलो अभी के अभी चलते हैं लेजर ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अरे हाँ हाँ, ऐसा होता है, लेकिन अभी तो रात हो रही है, मैं कल की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, कल मैं आप दोनों को लेजर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाऊंगी। अमृता अपनी नंद और अपनी सास को अगले दिन सुबह लेजर ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है, जिसमें उसकी 3 से 4 सिटिंग होती है। जब उनकी 4 सिटिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद उनके चेहरे पर बाल आने हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और अब उन्हें चेहरे पर शेविंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब वह सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जनकपुर गांव में शर्मिला नाम की बूढ़ी औरत अपने अपाहिज पति सुरेंद्र, बहू नैना और 5 साल की पोती शोभा के साथ रहती थी। एक दिन अचार बनाते वक्त नैना कहती है, माँ जी हमें आम के अचार की जगह कभी दूसरा अचार भी बनाना चाहिए, मैं एक ही अचार खाकर बहुत बोर हो गई हूँ। तू बोर हो गई है, हमारे ग्राहक तो नहीं बोर हुए ना आम का अचार खाते हुए? अरे माँ जी, परसों मुझे 2 औरतों ने बोला था कि आम की जगह दूसरा अचार भी बेचा करो, फिर मेरे दिमाग ने सोचा अचार ही बेचना है तो गाजर मूली का क्यों, कोई ऐसा अचार बनाकर बेचेंगे जो आज तक किसी ने बनाया ना हो या कठिन हो, उसका स्वाद जब आएगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। वाह बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही, कैसे दिन आ गए है ना, मेरे बेटे की वजह से तुझे घर को भी संभालना पड़ता है, फिर शोभा बेटी को उसके बाद मेरे साथ बाहर बाजार में भी अचार बेचना पड़ता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपके बेटे ने जो किया उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों उनका दिल मेरे साथ ना लगकर किसी और लड़की के साथ लगा और उन्होंने किसी और से शादी कर ली,
क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया इस रिश्ते को। हाँ बहु, मेरा बेटा ही तेरे प्यार के लायक नहीं था, इसलिए मैंने उसे त्याग कर तुझे चुना। खैर ये सब बातें छोड़ो, अचार कौन सा बनाए? माँ जी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कटहल का अचार बनाए। इस जंगल में बहुत सारे कटहल के पेड़ हैं और कोई उसके बारे में नहीं जानता, तो हमें फ्री का फायदा हो जाएगा। उस कटहल का ही अचार बनाकर बेच लेते हैं। ठीक है, तो बस हमें वही लाना है क्योंकि मसाले तो हैं ही हम पर। तभी पानी का गिलास गिरने की आवाज आती है तो दोनों घबरा कर व्हील चेयर पर बैठे सुरेंद्र के पास जाती है और वो कहता है, क्यों मुझसे कोई काम नहीं होता? अरे मुझे माफ कर देना तुम दोनों, मैंने तुम्हें परेशान किया। दरअसल मैं उस गिलास को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ज्यादा आगे नहीं आ पाया और गिलास गिर गया। बापूजी आप परेशान मत होइए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। अजी आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? मैंने कहा है ना आपको कुछ भी चाहिए तो बता दिया करें, मैं नहीं तो बहू आ जाया करेगी। अरे तुम्हें या बहू को मैं कितनी बार परेशान करूंगा, इसलिए खुद से कोशिश कर रहा था। तभी नैना अपने ससुर को पानी लाकर दे देती है और वो पोछा भी लगा देती है। बापूजी मैंने और माँ जी ने कटहल का अचार बेचने का सोचा है अभी, क्योंकि आम के अचार का कुछ खास व्यापार नहीं चल रहा है। वैसे हमारी लाडो शोभा कहाँ है? वो मेरे पास खेलते खेलते सो गई थी। चलो भगवान तरक्की करे तुम्हारे कटहल के अचार में, ये अभी सो रही है। तुम दोनों को जो भी काम खत्म करने हैं कर लो, क्योंकि बाद में जाग जाएगी तो मेरे से अकेली संभलने वाली कहाँ है। ठीक है बापूजी आप इसका ख्याल रखिए, माँ जी मेरे साथ कटहल उतारने जा रही है पेड़ से। और आपकी दवाई आपके सिरहाने पर रखी है, ये आज से 15 मिनट बाद खा लेना। ठीक है खा लूंगा, अब तुम जाकर अपना काम करो। ऐसा कहकर सास बहु जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। उन्हें जहाँ 3 कटहल के पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे तैसे बहू कमर पर रस्सी बांधकर कटहल तोड़ने पेड़ पर चढ़ जाती है। माँ जी देखिए इतने कटहल बहुत हैं, ये और तोड़ू? बहू 2 कटहल और तोड़ ले फिर हो जाए। जी माँ जी। नैना और कटहल तोड़ती ही है कि अचानक से मौसम खराब होने लगता है, तेज आंधी तूफान आने लगते हैं जिससे नैना पेड़ से फिसलकर गिर जाती है और सास पर भी पास का एक बड़ा पेड़ गिर जाता है जिससे दोनों की उसी क्षण मौत हो जाती है। तत्पश्चात वो दोनों चुड़ैल का रूप ले लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू क्या हो गया, हम दोनों तो चुड़ैल बन गई, कैसे अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई हमें। माँ जी अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमने तो उस बिजनेस को अभी किया ही नहीं जिसके बारे में इतना कुछ सोच कर बैठे थे, और शोभा भी तो बहुत छोटी है, बापूजी भी अकेले कैसे संभालेंगे, वो तो ये खबर सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तू बिल्कुल ठीक कहती है बहू, पर हम जो करने वाले थे वो करके ही रहेंगे, कटहल का अचार बनाएंगे और बेचेंगे, तेरे बापूजी को अभी कुछ भी नहीं बताएंगे। हे भगवान हम दोनों को इतनी शक्ति दे दो कि अपने परिवार के सामने सारे लोगों के सामने जा सके और अचार भी बेच सके। तभी आसमान से उन दोनों पर एक रोशनी पड़ती है जिससे वो दोनों अपने इंसानी रूप में आकर बहुत खुश होती हैं और आम जिंदगी की तरह घर आकर नैना अपनी बेटी को गले लगाकर उसे खाना खिला देती है, उसके साथ खेलती है, फिर अपनी सास के साथ कटहल काटकर अचार बनाने में जुट जाती है। थोड़ी देर में वो अचार बनाकर तैयार करके बरनी में डालकर ठेले पर बेचने चली जाती है। अचार ले लो, अचार खट्टा मीठा कटहल का अचार ले लो, चटपटा कटहल का 24 मसालों से तैयार किया हुआ शुद्ध कटहल का अचार, बेहद सस्ता और लाजवाब कटहल अचार, आइए आइए और खाइए, खाने का स्वाद बढ़ाइए। अरे वाह कटहल का अचार तो मैंने कभी नहीं देखा, सुनिए जरा आप मुझे क्या चखाएंगी, थोड़ा ये लीजिए खाइए। आहा मजा आ गया, ये कटहल का अचार तो काफी स्वादिष्ट चटपटा है, जरा मुझे 1 किलो कर दीजिए। कितने का है? सिर्फ 60 रुपए किलो है। क्यों इतना सस्ता, मुझे तो लगा 150 रुपए किलो होगा, ऐसा करो मुझे भी दे दो। अभी कर देती हूँ। इस तरह हर कोई सास बहू के कटहल का अचार लेने आता है और देखते ही देखते सास बहू के कटहल का अचार के साथ वो दोनों भी मशहूर हो जाती हैं। कमाई ज्यादा अच्छी होने से उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है जिससे शर्मिला अपने पति का इलाज भी करवाती है। कटहल का अचार खत्म हो जाने पर सास बहू उस पेड़ के पास जाती है और ज्यादा मात्रा में कटहल का अचार बनाकर डाल देती है। कुछ ही वर्षों में कटहल का अचार बिकने से अपने नाम की बरनी में बेचते हैं।
साथ ही एक बड़ी दुकान खोल लेती हैं। अब उनके अचार बाकी दुकानों पर भी सप्लाई होते थे, जिनका उन्हें अलग से लाभ मिलता था। माँ जी, अगर इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं बदल सकता। देखिए ना, आज हम झोपड़पट्टी से एक अच्छे घर में हैं, एक रेड़ी से एक बड़ी सी दुकान में आ गए। और पहले सिर्फ 2-4 जने हमारा कटहल अचार खाया करते थे, पर आज 200-400 दुकानों पर हमारा अचार बिकता है। ये तो सच कहा बहू तूने, और शोभा भी बड़ी हो गई है, लेकिन एक ना एक दिन तो हमें जाना ही होगा। वो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने दादाजी को संभाल सके। पर माँ जी, मेरा शोभा को इस तरह से छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। उसे सच का पता चलेगा तो क्या उसके दिल पर बीतेगी। बहू, खुद को संभाल, मजबूत दिल करके तुझे उसे सब बताना होगा, समझाना होगा, छोड़कर भी जाना होगा। हाँ माँ जी। तभी 10 साल की शोभा दुकान पर आकर उसकी ये बात सुन लेती है, जिससे वो कहती है, माँ दादी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? आप दोनों को क्या हुआ है जो छोड़कर जाओगे आप? कुछ नहीं हुआ भगवान जी, आपको कुछ नहीं होने देंगे। शोभा, भगवान ने जो करना था वो तो उन्होंने विधि के विधान में लिख रखा है, जो होकर ही रहता है, इसलिए अब तुझे अपने दादाजी को संभालना होगा। हाँ बेटा, दादी ठीक कह रही है, तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना और मैं तुझे हमारा कटहल का अचार बनाना सिखाती हूँ, ताकि तेरे आगे भविष्य में मदद हो जाए। ठीक माँ दादी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और दादाजी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और अचार बनाना भी सीखूंगी। तभी सास बहू दोनों मिलकर उसे कटहल का अचार बनाना सिखाती हैं, जिसके बाद शोभा सीख जाती है। और एक दिन सास बहू सुरेंद्र को सब कुछ बताकर उन दोनों से विदा ले लेती है, जिसके बाद सुरेंद्र को बहुत ठेस पहुंचती है और अपनी पोती के साथ अचार की दुकान पर बैठकर वो अचार बेचने लगता है।